अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि लेबल कैसे क्रिएट करते हैं टेक्स्ट टूल के जरिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास टूल्स में जाके टेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 3D टेक्स्ट और टेक्स्ट, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 3D टेक्स्ट हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं और अभी हम देखेंगे टेक्स्ट टूल के जरिए हम लेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास एक रूम बना हुआ है, हमारे पास ट्रीज हैं, हमारे पास डोर विंडो सब कुछ है। तो अभी हम ट्रीज पे आते हैं। ट्रीज और इसकी मजे की बात यह है कि हम जहां पर भी इसको लेके जाएंगे तो ये वहां पर इसका एक पॉइंट आ जाएगा। लाइक हम डोर पे जाते हैं तो डोर का पॉइंट, ये विंडो के साथ पॉइंट। अभी हम ट्रीज पे हैं तो ट्रीज पे हमने माउस का लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक करके जैसे ही हम इसको ऊपर लेके गए, ये देखें वहां पे उसकी एक नाम आ गया। अब इस नाम को आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेट्स सपोज हम रख देते हैं ट्री। हमने नाम रख दिया ट्री रख दिया, ये हमारे पास इसका नाम आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें तो हमें इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें मूव करना है तो आप सिलेक्ट करके ट्री को आप मूव टूल के जरिए आप इसको मूव भी करवा सकते हैं। ये देखें हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट टूल और इस तरह हम लेवल बना सकते हैं। और ये हमारे पास एक रूम सा बना है और ये हमारे पास एक डोर है। हम चाहते हैं कि हमने डोर का करना है तो हम जाएंगे टूल्स पे, सिंपल हमने टेक्स्ट पे जाना है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ये हम ऊपर लेके आते हैं। ये ग्लास डोर साथ लिखा हुआ है और अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। हम जस्ट क्या कर देते हैं कि जस्ट डोर कर देते हैं। ये डोर हमारे पास आ गया, अभी इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया डोर। तो आप अपनी ड्राइंग में सबके नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल की मदद से इनके लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट टूल। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ।